पनीर की रेसिपी तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर मखनी की ये टेस्टी मज़ेदार रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर ले लिया, जिसको मीडियम पीसेस में मैंने काट के रख लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम मैरिनेटेड का मसाला तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पर 6 से 7 लहसुन की कलियाँ लिया है। हम ले लेंगे हरी मिर्च, ग्रीन चिल्ली 6 से 7, तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूंगी 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर, इससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 15 काजू, बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा। इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने देखी स्मूथली पेस्ट बना लिया है। पेस्ट हमने तैयार कर लिया, हम इसे साइड में रख देते हैं, तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। हम ले लेंगे एक पैन, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तेल को अच्छे से हीट कर लेंगे, गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। बटर को हमें बाद में ऐड करना है। 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक हम इसमें डालेंगे। अदरक का फ्लेवर इसमें आ चुका है, तो मैं इसमें वाइट तिल ऐड करूँगी, इससे बहुत बढ़िया ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इन सबको हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। सारा फ्लेवर देखिए इसमें आ गया है, तो मैं इसमें 1 शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, हम इसमें डाल देंगे और इन्हें 2 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। ये शिमला मिर्च है, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने शिमला मिर्च को फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पेस्ट, जो हमने पहले से तैयार किया था। पेस्ट को हम बटर में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा पानी हम इसमें मिलाएंगे, ताकि जो पेस्ट है वो हमारा मिक्सी के जार में रहना जाए। कुछ सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून। ग्रेवी को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप। 1 टीस्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, विनेगर। मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। आप चाहें तो घर का भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पैकेट वाला क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा शक्कर ऐड करूँगी, ताकि जो टेस्ट का बैलेंस रहे वो परफेक्टली रहे। मसालों को हमने इसमें मिला दिया, अब हम इन्हें कवर करेंगे। 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी इस तरीके से तैयार हो चुकी है। मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च ऐड करूँगी। ये रेसिपी बनाना जितना आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है, तो आप ज़रूर बनाएं इसे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, चाट मसाले से अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें फाइनली पनीर ऐड कर देंगे। हमारी जो ग्रेवी है वो तो पहले से ही तैयार हो चुकी है, हम इन्हें 2 मिनट पका लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है वो पक चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और गर्म गर्म पराठे और नान के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें।